पार्टी ने जिसे 7-8 साल हो गए राज करते आए, उनने नेता को नहीं मारा। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ये सारे नेता है कांग्रेस के, जितने बैठे हैं सारे नेता है। मैंने अपने उच्च शिवर के जितने पर मेहनत की, मैं अपने प्रयासें लगा हूँ, मेरी सरकार के कारण, सरकार निकल की सरकार के कारण हमारा काम नहीं है। ये कड़ी काटते हैं इस सरकार में, तो ये शहर के विकास के लिए जे गए कार्य के लिए अपना खून पसीना एक कर देंगे हम। मैं तो दूसरा तीसरा चौथा नंबर जिस इलेक्ट्रोन में लेंगे, लेकिन नगर निकायों के चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चरखेदादरी नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए जहां सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा चुनावी अभियान शुरू कर दिया गया है, तो साथ ही कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदारों के द्वारा पार्टी की हाईकमान को अपना दमखम दिखाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। चरखेदादरी में कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक सीताराम अग्रवाल नगर परिषद चेयरमैन पद के दावेदारों से मिलने पहुंचे, जहां पूर्व पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी और शिक्षाविद के बीच शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जहां शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो वहीं पार्टी हाईकमान के फैसले के प्रति समर्पण भाव दावेदारों के द्वारा दिखाया गया। बात करें दावेदारों की, तो चरखेदादरी वार्ड नंबर 19 के निवर्तमान पार्षद वीरेंद्र पप्पू, कांग्रेस पार्टी नेता मनोज यादव और शिक्षाविद बलराज फोगाट के द्वारा नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई, जहां देखने में आया कि सभी अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंचे थे और शक्ति प्रदर्शन के दौरान सभी ने एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। जहां समर्थकों की बात करें, तो काफी संख्या में शिक्षाविद बलराज फोगाट के समर्थन में समर्थक बैठक के दौरान पहुंचे, तो वहीं नगर परिषद के निवर्तमान पार्षद वीरेंद्र पप्पू के समर्थन में भी काफी समर्थक दिखाई दिए। पार्टी नेता मनोज यादव भी अपने समर्थकों के साथ चेयरमैन पद की दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे, जहां पर्यवेक्षक सीताराम अग्रवाल के द्वारा दावेदारों के समर्थकों से बातचीत की गई, तो साथ ही टिकट के दावेदारों से मंत्रणा की गई। शिक्षाविद बलराज फोगाट के द्वारा उनके समर्थन में आए चरखेदादरी वासियों का धन्यवाद करते हुए कहा गया कि वे बेदाग छवि रखते हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं, और यही कारण है कि आज उनके समर्थन में चरखेदादरी का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा किसे टिकट दी जाएगी, इसका फैसला कांग्रेस पार्टी की हाईकमान के हाथों में है। जैसा भी प्रदेश सत्र के नेता फैसला करेंगे, वह उन्हें मंजूर होगा। वे पार्टी के वोटर के तौर पर पहले से काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि उन्हें मौका दिया जाता है, तो वह चरखेदादरी की बदहाल व्यवस्था को ठीक करने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष और जो प्रभारी आए हैं, वो फैसला ले, दादरी की जनता फैसला ले, उसी को टिकट दे जिसकी दादरी की जनता चाहती है और कांग्रेस हाईकमान चाहती है। आज हर तरफ देखने को मिला कि आपके नाम की हर कोई प्रयास करता है, मुझे भी, मैं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेता रहता हूं, तो मुझे पहली बार मेरी राजनीतिक जो नींव है उसकी पहली ईंट रखी गई है आज, और मैं बहुत गदगद हूं कि मेरा जो लोगों ने स्नेह और प्यार दिखाया, मैं जिंदगी भर इनका ऋणी रहूंगा। चुनाव तो आगे की बात है क्या रहता है, लेकिन आज जो दादरी की जनता ने मेरे प्रति स्नेह दिखाया, मैं सपरिवार उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और कांग्रेस के जितने बड़े नेता आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अग्रवाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो पर्यवेक्षक बन के आए हैं, और ज़्यादा हाजिरी में माताएं थी। और मैं एक वायदा और भी करता हूं दादरी की जनता के साथ कि यदि चुनाव में मेरे सपोर्टर को कहीं ये शिकायत मिल जाए कि आपका कैंडिडेट दागी है, बागी है, बदल जाता है, सुन देता है, आपका कहीं कोई भी चीज़ मिल जाए, कहीं शहर में मैं तेज खांसा भी नहीं हूँ, तेज बोलने की तो बात अलग है, किसी दुकानदार से, किसी व्यापारी से कहीं लेन देन में, कोई 1.25 लाख जनता है दादरी की और 42,600 मतदाता है, एक आदमी को ये कह देगा कि ये भला आदमी नहीं है मेरे सपोर्टर को, तो मैं चुनाव को बीच में छोड़ के घर चला जाऊंगा और कभी वोट मांगने की कोशिश नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ निवर्तमान पार्षद वीरेंद्र पप्पू के द्वारा भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी प्रस्तुत की गई। बैठक में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वे 2 बार पार्षद रह चुके हैं और अपने वार्ड में हर तरह के विकास कार्य करवाए हैं। आज उनके वार्ड में बहुत कम समस्याएं बची हैं। उनके द्वारा चरखेदादरी की मुख्य समस्या बदहाल शिविर व्यवस्था पर बात करते हुए कहा गया कि यह बदहाल शिविर व्यवस्था वर्तमान भाजपा सरकार की देन है
और चरखी दादरी का हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। उन्होंने कहा कि वह इसको ठीक करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो पर्यवेक्षक जी आए थे, राजस्थान से विधायक जी हैं ये, तो आज उनके सामने हमने अपनी बात रखी, बायोडाटा दिया और अपना जो शक्ति प्रदर्शन था वो दिखा दिया। अब बाकी जो हाईकमान चाहेगा वही होगा, टिकट तो उसी के मिलेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की जो पब्लिक है या जो पर्यवेक्षक साहब हैं, इनके आगे जो रियल में काम करने वाला व्यक्ति हो उसको टिकट मिले, बस इतना ही। 100% गारंटी से कह सकता हूं कि ये टिकट मेरे को मिलेगी विश्वास के साथ। कांग्रेस पार्टी मनोज यादव के द्वारा भी अपना दावा नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए प्रस्तुत किया गया, जहां उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और चरखी दादरी की जनता की सेवा करने की बात कही। सबसे पहले तो मैं आज मातृशक्ति का, वह मेरे बुजुर्गों का, वह मेरे युवा साथियों का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, जो आज इतनी तादाद में यहां पर पहुंचकर उन्होंने मेरे को समर्थन दिया है, उसका बारंबार धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद में मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे से जिस ऊंचाइयों की तरफ मैं चल रहा हूँ, आने वाले समय में वो मंजिल अभी दूर नहीं है और चरखी दादरी की सेवा करने का मौका अवश्य ही मुझे मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे सीताराम अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा उन्हें नगर परिषद चेयरमैन पद के दावेदारों के साथ वार्ता करने के लिए भेजा गया है और इस दौरान वे सभी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं से मिलकर नगर परिषद चेयरमैन पद की दावेदारी के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, जहां हाईकमान के द्वारा टिकट के दावेदारों के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवार को चुनने का कार्य करेगी जो चुनाव को जीतने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे यहां पे पर्यवेक्षक बना के भेजा है। निश्चित तौर पे आने वाले टाइम पे जो नगर परिषद के जो चुनाव है, यहां पे कई दिनों से स्टे था, वो स्टे खुला और अब यहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पे सभी प्रमुख नेताओं के साथ में वार्ता करने के लिए प्लस सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और जो प्रत्याशी हैं, जो टिकट चाहने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए और उनसे मिलकर के उनकी बात सुनने के लिए, प्लस हम लोग ये भी चाहेंगे कि हम मार्केट में जाकर के हम उनके धरातल की भी जांच करें, हम ये भी चाहेंगे कि हम किसी एजेंसी से भी जाँच कराएँ, हम ये भी चाहेंगे कि हम विनिंग उम्मीदवार को और यहाँ के लोकल नेता जैसे माननीय किरण चौधरी जी यहाँ पे लोकल यहाँ की नेता हैं, निश्चित तौर पे उनकी राय ली जाएगी, हमारी सारी राय उनको बताएंगे, AICC को हम लोग हमारी सारी राय बताएंगे, माननीय PCC प्रेसिडेंट से अगर डिस्कस होगा तो हम उनसे सारी राय करेंगे, निश्चित तौर पे सबको राय करके टिकट दी जाएगी और टिकट उसको दी जाएगी जो विनिंग कैंडिडेट है। हमने अभी यहाँ पे सबके कागज़ इकट्ठे किए हैं, बायोडाटा इकट्ठे किए हैं, सबके विवरण लिए हैं और मैं जयपुर के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के अंदर मैं ट्रेजरार हूँ और मैं डिजिटल जो मेंबरशिप है उसका राजस्थान का प्रभारी हूं और यहां पे मुझे मेरा सौभाग्य है कि मुझे चरखी दादरी के अंदर पर्यवेक्षक बना के भेजा है और यहां के आदमियों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, यहां का आतिथ्य देख करके बड़ी खुशी हुई, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पे आज हूं। आज हरेक कमेटी पार्टी के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया गया, पैर रखने तक की भी जगह नहीं देखी, क्या कहेंगे? ये हमारी एक अच्छे परिणामों का द्योतक है। आज आपने देखा यहां पे बैठने की तो छोड़िए, खड़े रहने की जगह नहीं थी, मातृशक्ति जितनी बड़ी संख्या में आई है ये हमारे लिए बहुत बड़े शुभ संकेत हैं और निश्चित तौर पे ये नहीं आए, ये भाजपा का जो नकारा शासन जो चल रहा है, यहाँ की जनता जो पीड़ित है और यहाँ की जनता की जो हालत मैंने सुनी है, चाहे सिविल लाइन है, चाहे पानी की है, चाहे सफाई की व्यवस्था है, तो उसको देखते हुए लोग पीड़ित होकर के आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है और हम ये कोशिश करेंगे, हम उस पार्टी उस ईमानदार आदमी को टिकट देंगे जो जनता तक पहुंच सके, जनता की सेवा कर सके और हमारा ध्येय भी एक ही है कि हम जनता की सेवा कर सकें। आज शिक्षाविद, पूर्व पार्षद और आपके पार्टी के भी पदाधिकारियों के द्वारा आपने अपनी ताल ठोकी गई है टिकट के, देखिए किनको आप लगता है कि किनको मिलनी चाहिए? हमने सबके बायोडाटा, सबकी ये शक्ति प्रदर्शन सारी चीज़ें देखी हैं, इनके बारे में हम और तहकीकात भी करेंगे और हम एक मतलब ये वकील तो हो सकते हैं, जज नहीं है, हम ये सारी की सारी बातें वहाँ पे पहुँचा देंगे जहाँ से टिकट वितरित होती हैं सभी ने। निश्चित तौर के ऊपर जब 30 तारीख से आपके नॉमिनेशन है और उसके आने वाले 1-2 दिन के अंदर नॉमिनेशन फाइल होने से पहले पहले फैसला भी कर देंगे और निश्चित तौर पे हम यहाँ का निगम का बोर्ड भी बनाएंगे।